अनन्या का स्यापा कब तक चलता रहेगा? एंड यू सॉ ना, टिल्लू ने उसके चक्कर में कैसे बदतमीजी से बात की मुझसे और फिर उसके पीछे पीछे चला गया। एंड आई टेल यू अगेन, वो लड़की मेरे घर आई थी छम्मक छल्लो बनके, बड़ा इतरा रही थी और फिर पुलिस स्टेशन में टिल्लू ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करी, उसने मेरी बात सुनी तक नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट हैपनिंग। आंटी समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, ऊपर से ये एक्सीडेंट और हो गया। अच्छा तो हुआ, ऐसी बुरी और बदतमीज लड़कियों के साथ ना इतना ही बुरा होना चाहिए, आई टेल यू। पर आंटी जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। नील जो गए उसे बचाने, और वैसे भी आप देख लेना मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, वो फिर बच जाएगी। कि नील उसे बचाने के चक्कर में क्यों लगा हुआ है। एंड आई टेल यू, वो लड़की ना बेचारी होने का नाटक कर रही होगी टिल्लू के सामने। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि टिल्लू क्यों नहीं समझ रहा है ये सारी चीजें। एंड आई टेल यू, ये लड़की मेरे टिल्लू को कितना भी ब्रेन वॉश कर ले, मी विद यू प्रॉमिस कि शादी से पहले मेरा टिल्लू ना इस अनन्या से नफरत करने लगेगा। श्योर शॉट। ओ कमबख्त, दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? किसी चुड़ैल का साया देख लिया क्या? श्वेता आंटी ऐसा क्या करने वाली है कि नील अनन्या से नफरत करने लगे? ओ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस अनन्या की तो इतनी फिक्र क्यों है, हैं? जब देखो तब अनन्या अनन्या, क्या लगा के रखा है दिल से तो बता मोए। नन्नू ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अरे ये है ना बिल, दिल से लगा के रखा है, मोए नहीं देगा हैं? सारे हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही इस कमबख्त मुँह बिल की वजह से। चीख चिल्क के दिमाग खराब हो जाएगा, यहाँ वहाँ घूरता खड़ा रहेगा दीवाना। अनन्या तुम ठीक हो? अनन्या आंखें खोलो प्लीज। मैडम आप किधर जा रहे हो? उसको आपकी जरूरत है ना। नहीं बाजी, जिस लड़के पर पूरा भरोसा है मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुम यही रहना ठीक है? मुझे जाना होगा, ये पता करना होगा कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। रिया, रिया, रिया मेरी बात तो सुनो, क्या करने जा रही हो तुम? What do you mean? तुम क्यों अनन्या और नील को अलग करने की कोशिश कर रही हो रिया? How dare you? नील मेरा फियांसे है और तुम क्या चाहते हो कि मैं चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहूं? रिया मैंने तुमसे पहले भी कहा कि नील अगर तुमसे सच्चा प्यार करता होता ना तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम में देख के वो आज तुम्हारे साथ होता, बट ऐसा नहीं है। तुम कब तक नील के पीछे भागती रहोगी? आंखें खोलो रिया, हो सकता है शायद कोई तुम्हें ज्यादा प्यार करने वाला। मे बी यू डिजर्व समथिंग बेटर रिया। शट अप। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी, मैं ये क्यों कर रही हूं तुम कभी समझ नहीं पाओगे। बहुत जल्द हमें हमारा ये घर, हमारी सारी फैक्ट्रीज और हमारे सारे गहने हमें वापस मिलने वाले हैं और इस झमेले से हमें बाहर निकालेगी प्रकाश जी की कंपनी। मैं नील से प्यार करती हूँ और उसे कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। ठीक है, बट एक बात कहूंगा कि किसी दिन ये जानना हो कि तुम कितनी स्पेशल हो, यहां आ जाओ। एक दिन तुम जरूर आओगी री, और अवनी इस शादी को रोकने में कामयाब हो जाएगी। यही चाहती हो ना तुम अवनी, इसीलिए तुमने कंगन बदले। मैं जानता हूं तुम बचपन से किसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। मुझे कुछ कहने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है अवनी। आई हो क्या नानी? डॉक्टर बस आते ही होंगे। क्या यार अनन्या, कब तुम मुझे हार्ट अटैक देना बंद करोगी? बताओ मुझे। जब तुम मेरी जान बचाना बंद करोगे। माँ, हाँ मैं ठीक हूँ और नीला जी भी ठीक है। तू चिंता मत कर। हाँ पानी पी। चला आप अपने कमरे में चला। सर आप ठीक हो ना? क्या कमाल की एक्टिंग किया आपने। आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। अनन्या को कानों कान भी खबर नहीं हुई कि आप नाटक कर रहे थे। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, आप अनन्या को जोई क्यों बुला रहे थे? What? हाँ, आप उन्हें जोई बुला रहे थे। एक्टिंग कर रहा था ना। अब अनन्या को एक बार जूही के बारे में बता चुका हूं मैं, शायद इसीलिए।